हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक थिंगलू आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक थिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर रहेगी। टॉपिक रहेगा हाउ वी कैन क्रिएट अ वंडरफुल एंड अट्रैक्टिव स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। तो बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक एमएस पावर पॉइंट की स्लाइड पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटली ब्लैंक स्लाइड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मान के चलते हैं कि हमें एक स्लाइड क्रिएट करनी है, टॉपिक है हमारा टाइगर। तो मैं सिंपली इंसर्ट पे जाके यहाँ से पिक्चर्स में जाके स्टॉक इमेजेस से जा रहा हूँ। स्टॉक इमेजेस में ऑलरेडी आपको इमेजेस मिल जाती हैं, तो मेरे डिवाइस में अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं स्टॉक इमेजेस में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक इमेज को सर्च करता हूँ टॉपिक के हिसाब से। टाइगर चाहिए तो टाइगर को ही सर्च करेंगे। बहुत सारी इमेजेस मिल रही है, इनमें से एक चूज़ कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन और इंसर्ट। तो जैसे हमारे पास ये आ चुकी है, अब सिंपली यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं डिज़ाइनर के कि आप कौन सा वाला पैटर्न लेना चाहते हैं, कौन सा वाला डिज़ाइन लेना चाहते हैं। मान के चलते कि मान के चलते इनमें से मैं इस वाले को ले लेता हूँ, दैट्स इट। अब ठीक है, अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ पे मैं टाइगर लिखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं फिर इंसर्ट में जाऊँगा, वर्ड आर्ट पे जाऊँगा और यहाँ से एक पैटर्न ले लेता हूँ जस्ट लाइक दिस वन, और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको टाइगर TIGER। सिलेक्शन करता हूँ, फॉन्ट का साइज़ बड़ा करने के लिए फिर से होम टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे इसका साइज़ कर देता हूँ 130 और कलर ले लेता हूँ इसका वाइट, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लैक है। और फॉन्ट भी चेंज करता हूँ, कोई ऐसा फॉन्ट लेता हूँ जो थिक हो, बोल्ड हो, जस्ट लाइक दिस वन। और इसको अब मैं यहाँ से उठा के ड्रैग करके यहाँ रख देता हूँ। कुछ इस तरीके से एक नॉर्मल स्लाइड बनाई जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर आपने जो भी कंटेंट इसके नीचे लिखना होगा, इसकी कोई भी डिटेल देनी होगी, अब आप यहाँ लिख सकते हैं। पर मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा होने वाला है और आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपली मैं क्या काम करूँगा, मैं एक शेप ले लेता हूँ इंसर्ट में जाके। यहाँ से मैं इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट से शेप्स पे जाता हूँ और यहाँ से हेक्सागन को सर्च करके उसे ले लेता हूँ जस्ट लाइक ये। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक को कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं एक जगह पे एडजस्ट कर देता हूँ, कुछ यहाँ पे, आई एम सॉरी, कुछ यहाँ पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कॉपी लेने के लिए मुझे फिर से इंसर्ट पे जाके हेक्सन गन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बनाने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है उसे कहते हैं Ctrl D। तो जब प्रेस करता हूँ मेरे सामने दूसरी कॉपी आ जाएगी। ऐसे ही मुझे इनको अरेंज करना है एक दूसरे के साथ में, जैसा आप देख पा रहे हैं। अगर आपका माउस आपको प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो आप कंट्रोल की कैसा डायरेक्शन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि आपको मनचाहा रिजल्ट मिल जाए। जैसे कि मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, अब मुझे और करना, मैं फिर से Ctrl D करूँगा। आपने यही चीज़ तब तक रिपीट करनी है जब तक आपके सामने कुछ ये इस तरीके से ना आ जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। जब आप इतना बना लेंगे, इसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने फिर इंसर्ट टैब पे जाके एक रेक्टेंगल को ले लेना है। किधर जाके मिलेगा आपको वो, शेप्स में। शेप्स में जाके आप रेक्टेंगल लेंगे और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद, आप इंसर्ट करने के बाद इसका सबसे पहले कलर ले लेते हैं। अब हमारा टॉपिक टाइगर का है, तो टाइगर के साथ या तो ब्लैक या तो ऑरेंज, यही कलर ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो मान के चलते हम ऑरेंज ही ले लेते हैं। अब ये कलर लेने के बाद हम क्या काम करेंगे, इस रेक्टेंगल को इन हेक्सागन्स के पीछे ले लेते हैं, जिसके लिए हम सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे सेंड टू बैक। आगे अब पीछे सबके, अब मैं क्या काम करूँगा, मैं सबकी सिलेक्शन करूँगा कुछ इस तरीके से। सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट हो चुके हैं, ये हेक्सागन्स भी और ये रेक्टेंगल भी। इतना करने के बाद आप शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको मर्ज शेप्स का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे और जो सबसे बॉटम पर आपको ऑप्शन मिलता है सब्सट्रैक्ट का, आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा। इतना करने के बाद आप फिर से इंसर्ट पर ही जाएंगे। अब इस बार हम टाइगर की इमेज को इंसर्ट नहीं करेंगे, इस बार हम इंसर्ट करेंगे टाइगर की वीडियो को, जिसके लिए हम फिर से वीडियो पे जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास टाइगर की कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है डिवाइस के अंदर, तो हम स्टॉक वीडियोस में जाएंगे और यहाँ से ही एक टाइगर की वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके लिए मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा टाइगर और एंटर की को हिट कर दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुझे वीडियो मिल चुकी है, सिंपली मैं इसको इंसर्ट करूंगा और वो यहाँ पे आ गई है, जैसा भी देख पा रहे हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले इसका प्लेबैक देखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली पे स्टार्ट है, मतलब जब भी ये जो स्लाइड स्टार्ट होगी तो टाइगर की वीडियो भी प्ले होती रहेगी, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम को म्यूट करना चाहते हैं तो म्यूट कर सकते हैं, अगर आप जिस लेवल पे साउंड रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लो मीडियम हाई जैसी रखनी है, मैं हाई पे रख रहा हूँ तो ये भी ठीक है मेरा। तो अब मैं वीडियो फॉर्मेट पे जाता हूँ और मैं इसको सबसे पीछे भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा सेंड
टू बैक। अब आप देख पा रहे हैं मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी पीछे आ चुकी है। अब फिर इंसर्ट पे जाके मैं यहाँ पे वर्ड आर्ट पे जाके इधर से इसको लिख लेता हूँ टाइगर। टाइगर लिखने के बाद इसकी सिलेक्शन करके कुछ और ले लेता हूँ, जैसे पहले लिया था मैंने सिंपल प्रेजेंटेशन में यही फॉन्ट ले लेता हूँ। साइज इसका कर देता हूँ 130। कलर ले लेता हूँ, कलर ब्लैक ही ठीक लग रहा है मुझे, तो इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। कंटेंट जो नीचे लिखना होगा आप लिख सकते हैं। मेरी स्लाइड मेरे सामने तैयार होकर आ चुकी है। अब मैं सिंपली अगर स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ जिसकी शॉर्टकट की F5 होती है, तो आप मेरी स्लाइड देखेंगे जो बहुत ही कूल लगेगी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्लाइड। तो आई होप आपको इस तरीके से स्लाइड्स बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।